वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद आज से संसद का पहला शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में सरकार के पास गिनाने और पास कराने के लिए कई बिल हैं, अध्यादेश हैं और अपनी पीठ थपथपाने के मुद्दे भी हैं। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में आर्टिकल 370, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और नागरिक संशोधन बिल जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। यूं समझिए कि शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने वाला है। अयोध्या के विवाद पर फैसले के बाद संसद का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। फिलहाल दिल्ली की फिजाएं तो सर्द हो गईं, मगर संसद भवन का माहौल आज से गर्म रहेगा। भले ही सदन के बाहर पारा गिर गया हो, मगर संसद भवन के भीतर पारा चढ़ेगा और खूब चढ़ेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो कई पेंडिंग बिल को पास कराने की जुगत में होगी, तो दूसरी ओर विपक्ष लामबंद है। हमेशा की तरह संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई और विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आश्वासन दिया गया कि विपक्ष जिस भी मुद्दे पर चाहे, जिस भी बिल पर चाहे, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सब मुद्दे विद इन द फ्रेमवर्क चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, ये भी आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लेकिन संसद सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष सरकार पर आरोप मढ़ने लगा है कि सरकार सर्वदलीय बैठक में कुछ और कहती है और संसद भवन में उसका मोड बदल जाता है। यहां तो आश्वासन देती है और वहां तो एक ही सरकार, उनका लाइब्रेरी में एक आश्वासन होता है और सदनों में दूसरा मूड होता है। समझना मुश्किल नहीं है कि संसद का यह सत्र हंगामा खेज होने वाला है, क्योंकि विपक्ष आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे, कश्मीर के मुद्दे समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। चाहे वो हमारे देश की इकॉनमी हो, चाहे वो देश में बेकारी बेरोजगारी हो, चाहे किसानों की जो हालत है उसको लेकर हम सदन में उठाना चाहें। लेकिन इन सब में अहम मुद्दा है कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाना, कांग्रेस के नेताओं को कश्मीर न जाने देने का मुद्दा और दूसरे विपक्षी नेताओं की नजरबंदी का मामला। हमारे संसद सदस्यों का अधिकार है, प्रिविलेज है कि वो देश के किसी भी हिस्से में जाएं, और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए भारत के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उनका हक भी बनता है कि वो जाएं, वहाँ के लोगों को मिले, वहाँ की हालत का जायजा करें और संसद के अंदर उस पर चर्चा करें। कांग्रेस के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कश्मीर के मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरने का पूरा मन बना रखा है। देखिए, बात यह है कि जम्मू कश्मीर आज एक बड़ी ही परेशान की स्थिति में है। तो जब से फ्रेगमेंटेशन की गई है, हिस्से बखरे किए गए स्टेट के, जो कि असंवैधानिक है, जो आईन के मुताबिक नहीं है, इजाज़त नहीं देता है आईन एक स्टेट को हिस्से करने का। आईन इजाज़त देता है किसी नए स्टेट को बनाने का, न कि किसी के हिस्से करने का। आई कॉन्स्टिट्यूशन दैट संविधान। सो हमने वाजे कर दिया कि हम ये मुद्दा उठाएंगे जो विंटर का जो अभी सेशन होने वाला है। सरकार इस शीतकालीन सत्र में कई नागरिकता संशोधन विधेयक समेत 27 नए विधेयक पेश करेगी और चर्चा करके पास भी कराना चाहेगी। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट भी इसी सत्र में बनाया जाना है। लेकिन सरकार के लिए ये सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष की तैयारी भी भारी है। आज तक ब्यूरो। सुबह सुबह में बात महाराष्ट्र में सरकार निर्माण पर मचे हुए सियासी घमासान की। दावा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में फॉर्मूला तैयार है, बस सोनिया गांधी की मुहर का इंतजार है। जी हाँ, आज दिल्ली में सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच अहम बैठक है, जिसमें माना जा रहा है कि उस फॉर्मूले पर आखिरी फैसला ले लिया जाएगा। इधर शिवसेना एक बार फिर से दावा कर रही है कि महाराष्ट्र में सीएम उन्हीं की पार्टी का बनेगा।
महाराष्ट्र को लेकर सोनिया और शरद पवार की आज दिल्ली में बैठक है, लेकिन सरकार निर्माण पर फाइनल फैसले से पहले ही शिवसेना ने फिर से दोहराया है कि सीएम तो हमारा ही बनेगा। आज तक से बातचीत में शिवसेना के फायर ब्रांड प्रवक्ता संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं। संजय जी, महाराष्ट्र में कब तक सरकार बन जाएगी, क्योंकि आपका दावा था 170 विधायक जो है वो आपके साथ हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे 170 का आंकड़ा आपको दिखेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये कोई हंसी मजाक वाली बात मैं कभी जिंदगी में न की ही न करूँगा। जब ये सरकार बनेगी और बनने की प्रक्रिया में है, थोड़ी प्रक्रिया ज़्यादा है, अब राष्ट्रपति शासन लगा है, 3 पार्टी एक साथ आने की प्रक्रिया है, अलग अलग विचारधारा हम लेकर चले थे, लेकिन महाराष्ट्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए अगर हम एक साथ आने का निर्णय लिया है प्रिंसिपली, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा है उसको भी मान्यता मिली है 3 पार्टी की तरफ से, ये लगभग तय हुआ है। अब सरकार बनने जा रही है, अभी कल शरद पवार साहब दिल्ली में आ रहे हैं, उनसे बात होगी, फिर पवार साहब सोनिया जी को मिलेंगे, नेता मिलेंगे। आप भी जाएंगे सोनिया गांधी से मुलाकात? अभी तो मेरी ज़रूरत नहीं है, पवार साहब बड़े नेता है, उनके कंधे पर जिम्मेदारी है, बाद में हम जब मिलना मिल लेंगे। आपकी जो राज्यसभा के अंदर सीट्स हैं, जो डिवीज़न नंबर है वो चेंज कर दिया है, ये कहा गया है कि अब आप एनडीए से बाहर हो गए हैं, आप एनडीए की बैठक में नहीं आ रहे, आपके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, ये तर्क दिए जा रहे हैं आपकी सीट चेंज करने के लिए, अब आप कांग्रेस के साथ बैठे नजर आएंगे? देखिए, हमने अधिकृत तौर से किसी के मांगा नहीं था कि हमारी सीट बदलो, ये उनका निर्णय है, वो मालिक है, ये मालिकाना हक डेमोक्रेसी में संसद पर किसी का नहीं रहता, ये देश का इतिहास कहता है। बड़े बड़े सिकंदर वहाँ यहाँ बनकर चले गए हैं हमारे सामने, आते हैं लोग चले जाते हैं, दिल्ली में कोई रुकता नहीं जाता। अगर किसी को लगता है दिल्ली हमारे बाप की है और हमारा उसका ऊपर मालिकाना हक है, तो मुगल हो, ब्रिटिश हो, कांग्रेस हो, जनता पार्टी हो, जनता दल हो, कोई भी हो, ये दिल्ली का एक नेचर है, स्वभाव है दिल्ली का, कुंडली है दिल्ली की, तो हमें मालूम है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये आज हमको एनडीए से बाहर निकाला, आप कौन है भाई, एनडीए के मालिक है क्या, कौन बन गए एनडीए के मालिक? एनडीए क्या एक पार्टी का प्रॉपर्टी है? 25-30 साल पहले जब एनडीए बनाई थी तो हम फाउंडर थे, बाला साहब ठाकरे, अटल जी, अडवाणी जी, प्रकाश सिंह बादल साहब, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, कहाँ गए वो लोग, आज कौन है? निर्णय होते थे एक साथ बैठकर। 5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा या एनसीपी और आपका 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ है? ये जो फार्मूला की बात है, तीनों दल के नेता मिलकर सामने आकर बात करेंगे, अब मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना का ही रहे। पहाड़ों पर चल रही बर्फबारी की आफत काल से अब करगिल भी अछूता नहीं रहा। कल दिन में लगातार 12 घंटे की बर्फबारी ने हर चीज को अपने आगोश में ले लिया था। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बीते एक हफ्ते से जबरदस्त बर्फबारी के बाद मौसम खुला तो लोगों ने राहत की सांस ली। सड़क पर बर्फ, घर पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, हर ओर बर्फ ही बर्फ। स्वर्ग सा सुंदर दिखने वाला ये नजारा कश्मीर से अलग हुए नए नवेले केंद्र शासित राज्य लद्दाख के करगिल की है। करगिल में कल 12 घंटे तक लगातार बर्फ की बारिश हुई। मूसलाधार बर्फबारी की वजह से करगिल श्रीनगर रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो जमीन से लेकर आसमान तक किसी ने बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछा दी हो। खिली खिली धूप के बीच चमचमाती ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के कोकसर की है। यहाँ पर बीते एक हफ्ते में इतनी बर्फ गिरी कि क्या सड़कें, क्या घर, क्या दुकान, क्या मकान, सब बर्फ के नीचे दब गए। कोकसर में जहां तक आप नजर ले जाएंगे बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। हर तरफ बर्फ की मोटी मोटी परत जमी हुई है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से बर्फिस्तान बन चुके कोकसर में रविवार का दिन राहत लेकर आया। करीब एक हफ्ते बाद मौसम खुला और धूप निकल आई। धूप निकलने से लोगों को हाड़ कंपाने वाली सर्दी से राहत तो मिली, लेकिन रिहायशी इलाकों में अब भी करीब 2 दर्जन छोटे छोटे रास्ते बंद पड़े हैं। मौसम खुलते ही एक बार फिर बीआरओ ने
रोहतांग के लिए यातायात खोलने की कोशिश की है। नेक्स्ट गाड़ी वाला कौन सा है? इसी बीच रोहतांग टनल प्रबंधन ने निर्माणाधीन रोहतांग टनल से होकर रोजाना एक बस की आवाजाही को मंजूरी दे दी है। 15 नवंबर को भारी बर्फबारी के बाद रोहतांग का रास्ता बंद कर दिया गया था। अब सुरंग के रास्ते एक बस की आवाजाही से लोगों को काफी राहत मिलेगी। करगिल से बकीर के साथ मनविंदर अरोड़ा, मनाली आज तक। राजस्थान के सीकर में डीजल से भरा हुआ एक टैंकर पलट गया। इस टैंकर में भरा हुआ तेल बाहर बहने लगा। तेल के टैंकर के पलटने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए ग्रामीण उस तेल को लूटने के लिए। काफी देर बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके से तमाम लोगों को हटाया। यहां लूट मची है, डीजल की लूट। कोई ड्रम में भर कर ले जा रहा है तो कोई बाल्टी में भर कर भाग रहा है, कोई गैलन में भर रहा है तो कोई बोतल में भर कर ले जा रहा है। जिसको जो बर्तन जो सामान दिखा उसी में लूट का डीजल भरने के जुगत लगा रहा है। तस्वीरें राजस्थान के सीकर के चला गांव की है, जहां कल एक डीजल से भरा टैंकर सड़क के किनारे पलट गया। इस हादसे में 12,000 लीटर डीजल से भरा टैंकर सड़क पर रिसने लगा, जिसकी सूचना पर नजदीकी ग्रामीण पीपे और ड्रम लेकर मौके पर पहुंच गए और उनमें डीजल भरने की होड़ मच गई। तेल को लूटने में क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं, हर कोई बढ़ चढ़ कर शामिल था। हाथों में बर्तन लेकर भीड़ तेल लूटने की तरफ बढ़ी जा रही थी। आलम ये रहा कि लोगों को स्टेट हाईवे के यातायात का भी ख्याल नहीं रहा। लोगों की भीड़ से रास्ते पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। स्थानीय पुलिस भी मामले को नहीं संभाल सकी। इस पर नीम का थाना पुलिस को बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को तेल लूट से हटाया और लोगों को तितर बितर कर रास्ता खुलवाया। डीजल का टैंकर सड़क पर पलट जाने से दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है, इसलिए भी पुलिस के अधिकारी टैंकर को हटाने में जुट गए। हादसे में टैंकर का आगे का हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया है, जिससे चालक को भी चोट आई है। सुशील जोशी, सीकर आज तक। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रोड रेस के बाद लूट की वारदात में एक शख्स को बदमाशों ने चाकू मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चाकूबाजी की यह पूरी घटना पासी में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तीन बाइक सवार बदमाश एक स्कूटी सवार युवक को ताबड़तोड़ चाकू मारकर घायल कर रहे हैं। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अब बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। राजस्थान के राजसमंद से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक तेल घी की होलसेल दुकान में रविवार शाम तीन युवक रिवॉल्वर की नोक पर व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की लूट करके फरार हो जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर बदमाश व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वारदात के बाद राजनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई, मगर देर रात तक भी आरोपियों के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व की किशनपुर सेंचुरी के जंगल में 5 शावकों संग एक बाघिन घूमती हुई नजर आई है। एक साथ बाघिन और उसके बच्चों को चहलकदमी देखकर पर्यटकों और वन कर्मियों में खुशी की लहर सी दौड़ गई। पर्यटकों की जिप्सी जैसे ही किशनपुर के जंगल की ओर जाने लगी, तभी रास्ते में एक बाघिन अपने 5 शावकों के साथ बीच सड़क पर बैठे हुए नजर आई। जंगल में 5 शावकों को देखकर वाकई में पर्यटक खुश हो गए। तस्वीरों में उसे कैद किया गया। बीच सड़क पर 5 शावकों के साथ बाघिन बैठी हुई थी करीब 20 मिनट तक। गाड़ी के सामने बाघिन बैठी रही और कुछ आहत होने के बाद बाघिन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जंगलों की ओर चली गई। भगवान बद्री विशाल अपने भक्तों से 6 महीने के लिए दूर हो गए हैं। जी हाँ, कल शाम 5:13 पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही 4 धाम यात्रा भी बंद हो गई है।
आर्मी बैंड की बजती मधुर धुन। घूमते नाचते गाते सैकड़ों श्रद्धालु, फूल मालाओं से सजा बद्रीनाथ का मंदिर, भगवान बद्री विशाल के जयकारों की गूंज। इन्हीं जयकारों और नाचते गाते श्रद्धालुओं के बीच बद्रीनाथ के कपाट कल शाम 5:13 पर शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए। बड़ा मार्मिक और भावुक क्षण था इस समय जब 6 महीने यहाँ पर मनुष्य के द्वारा, रावल जी के द्वारा भगवान की पूजा की जाती थी और आज 5:13 के बाद देवतागण भगवान बद्री विशाल जी की पूजा करेंगे। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में हजारों श्रद्धालु कपाट बंद होने के अवसर पर पहुंचे थे। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। शाम 5:13 पर जैसे ही मां लक्ष्मी भगवान बद्री के साथ विराजमान हुई, वैसे ही भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद कर दिए गए और अब 6 महीने बाद ग्रीष्म काल में बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। बद्रीनाथ जी के कपाट आर्मी बैंड की मधुर धुन के साथ हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने के अवसर पर 9,135 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। इस वर्ष कुल 12,42,000 रिकॉर्ड श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे। कल सुबह सबसे पहले बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने भगवान नारायण के स्वर्ण आभूषण हटाकर फूलों से श्रृंगार किया। इस दौरान धर्माधिकारी और वेद पाठियों ने दिन भर गुप्त मंत्रोच्चार किया। सुबह से शुरू हुआ दर्शन देर शाम कपाट बंद होने तक जारी रहा। शाम 5:13 पर कपाट बंद होने के बाद जब रावल जी वापस आए तो हजारों श्रद्धालु भी यहां भावुक हो गए। ये पल ही श्रद्धालुओं को सबसे गमगीन बनाता है क्योंकि भगवान भक्तों से 6 महीने के लिए दूर होने जा रहे हैं। कमलनयन सिलोड़ी, बद्रीनाथ आज तक। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल इटली का वेनिस शहर 53 सालों में सबसे बड़ी बाढ़ से जूझ रहा है। भारी बारिश और हाई टाइड के कारण पूरे शहर में पानी भर गया है। वेनिस में करीब 6 फीट तक पानी भर जाने के बाद सरकार ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। शहर में सैलाब, समंदर बनी सड़कें, पानी पानी हुई गलियां, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, पानी पानी हुई दुकानें, रेस्टोरेंट में भी घुसा बाढ़ का पानी, घुटने तक पानी में चलने को मजबूर लोग। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर की तस्वीर है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो इसकी खूबसूरती को किसी की नजर लग गई है। समंदर के बीच 100 से ज्यादा द्वीपों पर बसे झीलों के शहर वेनिस में वैसे तो हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार जो बाढ़ आई है वैसी 50 सालों में पहले कभी नहीं आई। वेनिस में इस हालात के दो ही कारण हैं, पहला जलवायु परिवर्तन और दूसरा बाढ़ से निपटने के लिए जो बैरियर बनाए जाने थे उन पर अब तक काम नहीं किया गया। इस वजह से आज यहां के हालात खराब हैं। पिछले हफ्ते लगातार हुई बारिश के कारण 6 फीट तक पानी भर गया, साथ ही समंदर का पानी शहर में घुस जाने के कारण स्थिति और खराब हो गई। हाई टाइड की वजह से झीलों में चलने वाली नाव टूट गई है, कई नावों को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद सरकार ने आपात स्थिति की घोषणा का फैसला किया। क्लाइमेट चेंज पर आई एक रिपोर्ट में 2100 के आसपास में वेनिस शहर के डूबने की बात कही गई थी, लेकिन 80 साल पहले ही वेनिस शहर के ऐसे हालात हो जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था।
आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे स्पेन के ऑस्ट्रियस में हो रही भारी बर्फबारी की। यहाँ भारी बर्फबारी के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूरे शहर में बर्फ की सफेद चादर फैली हुई है, जिधर देखें सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर, बर्फ ही बर्फ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।